1405 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे मुगल्स इन कांगड़ा, ठीक है जी। आप देखें इस तरह से, ये हमारा इंडिया है, ठीक है जी, ये हम मान के चल रहे हैं ऐसे। और सबसे पहले जो बाबर है, बाबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बाबर और हिमाचल प्रदेश का क्या रिलेशन है। तो मुगल्स जो स्टार्ट होते हैं वो बाबर से स्टार्ट होते हैं, और जब बाबर आते हैं, बाबर कब आएंगे इंडिया में, 1526 में बाबर आते हैं, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है ना, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें आप मुगल्स में ये पढ़ेंगे। तो हम छोटा छोटा इंट्रोडक्शन साथ में करते रहेंगे, जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जो बाबर इंडिया में अटैक करेंगे, 1526 में अटैक करते हैं, 26 से 30, तो ये 4 साल ही बस बाबर का टाइम पीरियड है, ठीक है जी। और जब बाबर ने अटैक किया है इंडिया के ऊपर, तो ये दिल्ली कैप्चर करना चाह रहे हैं, आप ये समझिए। तो यहाँ पे जो है इस टाइम पे लोधी डायनेस्टी है, ठीक है जी। कौन सी डायनेस्टी आपको मिलेगी, लोधी डायनेस्टी, और ये हमारा हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे। तो क्या होता है कि जब बाबर आते हैं, तो बाबर जो है ये दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो बाबर जब दिल्ली की तरफ गए थे, तो रास्ते में हिमाचल प्रदेश के पास ही एक जगह पर रुके थे। इस प्लेस का नाम है मलौट, ठीक है जी, मलौट प्लेस। अब से पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी चौकी जो है वो कहाँ बनाई थी, ठीक है जी। अपनी चौकी कहाँ बनाते हैं, मलौट प्लेस पे, उसके बाद ही इंडिया में आ जाएंगे, है ना। बाकी इंडिया में आके जो भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, पानीपत की, खानवा की, और जो भी लड़ाई है वो हमने यहाँ पे नहीं पढ़नी है। हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड पढ़ना है कि जब बाबर आते हैं दिल्ली के ऊपर अटैक करने के लिए, तो ये एक जगह रुकेंगे हिमाचल प्रदेश के पास, और वो जगह है मलौट। क्लियर हुआ आपको, ठीक है जी। यहाँ पे अपनी चौकी बनाते हैं ये। तो इन्होंने क्या किया था कि जो दिल्ली वाला एरिया है वो इन्होंने जीत लिया, और बाबर के बाद अगले जो आपके पास राजा आएंगे, बाबर का बेटा है, उनका नाम है हुमायूं, ठीक है जी, हुमायूं। तो अभी हुमायूं के टाइम पीरियड पे क्या होता है वो देखते हैं। अभी जो आपके देखें दिल्ली में जो राजा है वो कौन बन चुके हैं, हुमायूं जो है वो राजा बन गए। बाबर की डेथ हो चुकी है ना 30 में, ठीक है, 4 साल तक ही बाबर राजा थे। उसके बाद मुगल्स जो है वो दिल्ली में एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तो बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं राजा बन जाएगा। अब हुमायूं के टाइम पीरियड पे हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, तो क्या हुमायूं ने अटैक किया हिमाचल के ऊपर, हिमाचल वाला एरिया कैप्चर किया या नहीं किया, तो नहीं किया था। हुमायूं जो है इनके ऊपर इतने अटैक्स हो रहे थे कि ये उन्हीं अटैक्स को टैकल करने में बिजी रह गए। आप ये देखें कि इस तरह ये दिल्ली है, और यहाँ पे है हुमायूं भी। हुमायूं के ऊपर जो अटैक होता है वो होता है शेर शाह सूरी का, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। शेर शाह सूरी, समझ पाया, शेर शाह सूरी। तो हुमायूं के ऊपर किसने अटैक किया था, शेर शाह सूरी ने अटैक किया था। और शेर शाह सूरी के साथ जो है इनकी दो लड़ाइयां होती हैं, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में दो बैटल्स हुई हैं, 1539 एंड 1540 में, ठीक है जी। 1539 में होती है आपके पास बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा, एंड 40 में बैटल होती है बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बैटल ऑफ बेलग्राम भी कहा जाता है, ठीक है जी, जैसे जिसे बैटल ऑफ बेलग्राम बोला जाता है। तो ये दो लड़ाइयां आपको याद रखनी है, दो लड़ाइयां किसके बीच में हुई हैं, ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई है, 1539 एंड 1540 में, ठीक है। ये हिस्ट्री क्वेश्चन बनेगा आपका, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, हम हिमाचल में पढ़ रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, बस इसीलिए। तो क्या होता है 1540 में, 1540 में जो हुमायूं हैं ये कंप्लीटली हार जाएंगे, समझ पाया। हुमायूं जो है वो हार जाते हैं, और हुमायूं को भागना पड़ता है। तो दिल्ली छोड़ के जो हुमायूं है कहाँ भाग गए थे, हुमायूं यहाँ से भागते हैं ईरान के लिए। तो जो हुमायूं है वो कहाँ चले गए, ईरान छिपने के लिए, और अपनी बीवी बच्चों के साथ, मतलब ये हुमायूं जो है विद फैमिली चले जाते हैं ईरान। अब दिल्ली जो है, दिल्ली में कौन आ जाएगा आपके पास, शेरशाह सूरी जो जीता है ना, ये जो शेरशाह सूरी है ये आते हैं दिल्ली में। और दिल्ली में जो है वो कौन सी रियासत तो चल पड़ेगी, सुर एम्पायर, ठीक है। दिल्ली में कौन सा एम्पायर बनेगा, सुर एम्पायर बनता है दिल्ली में। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, ठीक है जी। अब जब दिल्ली में सुर एम्पायर आ चुका है, तो ये लोग अटैक करेंगे हिमाचल प्रदेश के ऊपर। तो हिमाचल में जो है वो आपने हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी, सलीम शाह सूरी है, सिकंदर शाह सूरी, ये लोग, इन लोगों के नाम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट।
तो ये कहाँ से आगे बीच में, ये आया आपका सूर एम्पायर। दिल्ली में जो है वो कौन सा एम्पायर हमारे पास बनता है अभी, सूर एम्पायर बनेगा इस तरह से। क्लियर हुआ आपको ये? हुमायूं चलेगा, ठीक है। हुमायूं का हम हिमाचल प्रदेश में कोई भी लेना देना नहीं पड़ेंगे कि उन्होंने अटैक किया था नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया। हुमायूं को हरा दिया बस। किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। अब आप पढ़ेंगे सूर एम्पायर, ये देखिए इस तरह से, ये हमारा हिमाचल, ये आप दिल्ली रखें यहाँ पे, है ना। बहुत रफ सा डायग्राम बना दूं बस समझने के लिए। तो यहाँ पे दिल्ली में जो है वो सुर एम्पायर है, सुर एम्पायर। राजा आपको मिलेंगे यहाँ पे शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। तो जिस टाइम पे शेर शाह सूरी जो है वो दिल्ली के राजा बनते हैं, शेर शाह सूरी क्या सोचेंगे कि मैं अपना एरिया एक्सपैंड करूं, इनको जगह जगह छोटी छोटी जो जगह है वो जगह कैप्चर करनी है। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, देखिए ये पंजाब वाला एरिया पड़ता है आपका, ठीक है जी। पंजाब वाला जो रीजन है, इन्होंने ये रीजन कैप्चर किया और ये अपने भतीजे को दे दिया। इनका जो नेतृत्व था उनका नाम था सिकंदर शाह सूरी, ठीक है जी। सिकंदर शाह सूरी, ये नाम आपको ध्यान रखना है कि जो पंजाब का गवर्नर है, पंजाब का गवर्नर किसे बना दिया जाता है, सिकंदर शाह सूरी को, पूरा पंजाब वाला कैप्चर करके, है ना। और फिर देखें आपके जो शेरशाह सूरी है ये पहाड़ी एरिया कैप्चर करने के लिए भी भेजेंगे। तो पहाड़ी एरिया कैप्चर करने के लिए शेरशाह सूरी ने कहीं भेजा था, खावस खान को। खावस खान, ये नाम आपने याद रखना है कि शेरशाह सूरी ने पहाड़ी रीजन को, है ना, हिली एरिया को कैप्चर करने के लिए किसे भेजा था। खावस खान को भेजते हैं और खावस खान ने जो है वो पहाड़ी जो स्टेट्स हैं उनको कैप्चर कर लिया था। बट कांगड़ा किले का कोई जिक्र हमको नहीं मिलता है। आप ये कभी भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने कांगड़ा किला जीता है, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। बट पहाड़ी एरियाज वो कुछ भी हो सकते हैं, जसवा हो सकता है, नूरपुर हो सकता है, सिब्बा हो सकता है ना। सिर्फ पहाड़ी एरिया के बारे में बताया गया है। तो खावस खान को भेजा था। एंड उसके बाद जो ये पहाड़ी रीजन है ये किसे दे दिया जाता है, हामिद खान कक्कार, हामिद खान कक्कार। तो खावस खान ने ये एरिया जीत लिया। एंड आफ्टर खावस खान ये जो पहाड़ी रीजन है इसके कंट्रोल में चला जाता है, हामिद खान कक्कार। ये भी सूर एम्पायर से ही संबंधित हमको मिलेंगे। तो बस इतना ही शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड पे होता है, ठीक है जी। यही दो तीन आपको नाम पढ़ना है शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड पे। तो बेचारा हुआ हमारा जो हुमायूं था वो कहाँ भाग के गया था, ये देखें। हुमायूं तो ईरान में छिपे हैं अभी। तो जो हुमायूं है, हुमायूं के बेटे का नाम क्या है, इम्पोर्टेंट जो है उनके नाम है अकबर, ठीक है जी। ये है अकबर, तो हुमायूं का बेटा अकबर। और इनका एक जो मिनिस्टर था वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम है बैरम खान, ठीक है जी, बैरम खान। अगर आपने जोधा अकबर सीरियल देखा होगा तो आपको थोड़े थोड़े ये नाम याद आएंगे, है ना, महामंगा बैरम खान, आपने ये नाम सुने होंगे। तो जो बैरम खान है वो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर है, ठीक है। अब अकबर और बैरम खान, अकबर तो खैर छोटे हैं अभी, बैरम खान मेन मिनिस्टर हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हम कब तक ईरान में बैठे रहेंगे, हमारी जो राजगद्दी है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो हमको अपनी जो दिल्ली है वो वापस चाहिए। अकबर ने ये पक्का सोच लिया। तो अकबर क्या प्लानिंग कर रहा है, अकबर प्लानिंग कर रहा है वापिस आने की इंडिया की तरफ को, ठीक है जी। तो अब जो है वो अकबर के अटैक हुए। शेरशाह सूरी का जो बीच में टाइम इसको मिलता है अटैक करने के लिए वो इतना ही मिलेगा बस, जब तक हुमायूं ईरान में बैठा है, अकबर छोटा है उस टाइम पीरियड तक। आपको इसमें यही याद रखना है, शेरशाह सूरी आपके दिल्ली में थे, पंजाब वाले रीजन में आ गए सिकंदर शाह सूरी, और जो आपका भी पहाड़ी रीजन है खावस खान को भेजा था, और हामिद खान कक्कार के पास भी एरिया दे दिया बस, ठीक है जी। इतना यही हमको सूर एम्पायर से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में पढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे आप पढ़ेंगे अकबर, कि अकबर प्लानिंग कर रहा है इंडिया में आने के लिए, ठीक है जी। इन आपके पास जो अकबर हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको जो है वो इंडिया की तरफ आना है और अटैक करना है इंडिया के ऊपर, और इनको चाहिए अपनी राजगद्दी वापस से, क्योंकि यहाँ पर सूर एम्पायर अभी है। तो फिर अकबर आते हैं। अब अकबर देखें, अकबर डायरेक्ट जो है ना वो दिल्ली नहीं पहुंच सकते, है ना। इनको कौन से एरिया क्रॉस करके आने पड़ेंगे, ये पंजाब वाला सारा रीजन। तो और पंजाब में कौन है आगे, पंजाब में है इस टाइम पे सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। सिकंदर शाह सूरी, और आप एक चीज याद रखना कि ये है हमारा
कांगड़ा, यहाँ पे कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा के राजा इस टाइम पे कौन है? धर्मचंद है, धर्मचंद, ठीक है। कांगड़ा के राजा कौन आपको मिलेंगे? धर्मचंद, इनका आप नाम याद रखिएगा। जिस टाइम पे अकबर की एंट्री होती है उस टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है जी। कांगड़ा के राजा है धर्मचंद और पंजाब में है सिकंदर शाह सूरी। तो क्या होता है कि जो अकबर है वो अटैक करते हैं, और ये अटैक सबसे पहले कहाँ करेंगे? पंजाब के ऊपर, सिकंदर शाह सूरी के ऊपर। क्लियर हुआ आपको? क्योंकि यहाँ तक पहुंचना है ना, दिल्ली तक पहुंचना है, तो रास्ता तो पंजाब ही है, पंजाब से होते हुए ही आगे आएंगे। पंजाब में आगे कौन मिल गया इनको? सिकंदर शाह सूरी जो है, इनको सबसे आगे मिल जाते हैं। तो जो अकबर है वो अटैक करते हैं सिकंदर शाह सूरी के ऊपर, ठीक है जी। और सिकंदर शाह सूरी क्या करेंगे? अपनी जान बचाने के लिए ये भागेंगे पहाड़ों की तरफ फिर, है ना। देखो अकबर ना, अकबर आना नहीं चाह रहा था पहाड़ी रीजन में, बट ये सिकंदर शाह सूरी भाग के आ गए यहाँ को, और इसके पीछे 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 भाग के आना पड़ा था फिर मुगलों को हिमाचल की तरफ। समझ पा रहे हैं? सिकंदर शाह सूरी ने क्या किया? छुपने के लिए जो ये कहाँ आते हैं, छुपने के लिए ये आएंगे नूरपुर, ठीक है जी। नूरपुर, ये देखिए यहाँ पे नूरपुर कहाँ पड़ता है? तो नूरपुर जो कांगड़ा में ही पड़ता है, समझ पाया? तो यहाँ पे ये छुप जाता है नूरपुर में, नूरपुर में। और नूरपुर के जो राजा हैं इनका नाम है भक्तमल, ठीक है जी। भक्तमल, ये आपने हर हाल में नाम याद रखना है कि जो नूरपुर के राजा हैं वो कौन थे। नूरपुर के राजा थे इस टाइम पे भक्तमल, ठीक है जी। भक्तमल आपको राजा मिलेंगे यहाँ पे। और जो सिकंदर शाह सूरी है और भक्तमल है, इनके रिलेशन काफी अच्छे थे, ठीक है जी। और ये किस किले में छिपेंगे? तो उस किले का नाम है माऊ कोट फोर्ट, माऊ कोट फोर्ट, ठीक है जी। माऊ कोट फोर्ट जो है वो इस किले का नाम है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? नूरपुर में मिलेगा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो ये माऊ कोट फोर्ट है ये किसने बनाया है? ये किला बनाया है सलीम शाह सूरी ने, ठीक है जी। सलीम शाह सूरी, और ये सलीम शाह सूरी कौन है? ये है सन ऑफ शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, जो माऊ कोट किला है पहली बात तो है कहाँ? तो माऊ कोट किला आपको मिलेगा नूरपुर में। और माऊ कोट किला बनाया किसने था? तो सलीम शाह सूरी ने बनाया था। और सलीम शाह सूरी कौन आपको मिलेंगे? शेर शाह सूरी का बेटा, ठीक है जी। तो इस तरह से जो सिकंदर शाह सूरी हैं ये भागते भागते आते हैं नूरपुर, और नूरपुर में छुप जाएंगे माऊ कोट फोर्ट में। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक ये? ठीक है जी। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए सिकंदर शाह सूरी जब आगे नूरपुर की तरफ, तो इनको पकड़ने के लिए मुगल भी इनके पीछे पीछे आएंगे, है ना। और जो मुगल की आर्मी है वो पीछे पीछे आती है नूरपुर तक, और नूरपुर ये जो किला है माऊ कोट किला है, इस किले को जो है ये घेर लेंगे। किले में इन्होंने घेराबंदी बना ली है। अभी कभी ना कभी तो सिकंदर शाह सूरी बाहर निकलेगा या निकलेगा, और सिकंदर शाह सूरी को लगता है कि अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है वो सरेंडर कर देना चाहिए। तो सिकंदर शाह सूरी ने क्या किया था? बड़े हाथ पांव जोड़े इन मुगलों के कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, हम लोग पीस ट्रीटी साइन करते हैं, मैं चला जाऊंगा यहाँ से ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, वो वाली बात। तो सिकंदर शाह सूरी को जो है माफ कर दिया जाता है, ठीक है जी। आपको ध्यान रखना है, जो सिकंदर शाह सूरी है इनको बोला कि चलो ठीक है हम आपको माफ कर दें, बट एक शर्त है कि आपको हमारे एरिया में नहीं रहना है, आप बंगाल चले जाओ, ठीक है जी। आप जो है वो बंगाल वापस चले जाओ। तो सिकंदर शाह सूरी ने बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा, है ना, मुझको मत मारो। तो सिकंदर शाह सूरी को कर दिया माफ। लेकिन नूरपुर के राजा कौन है? नूरपुर के राजा है भक्तमल। भक्तमल को माफ नहीं किया गया, है ना। भक्तमल को बोला कि भाई तूने जो है ना हमारे दुश्मनों की हेल्प की है, तो आपको तो हम नहीं माफ करेंगे। तो भक्तमल को क्या करते हैं कि जो वो बैरम खान है, ठीक है जी, बैरम खान, यही बैरम खान, बैरम खान ने पकड़ा भक्तमल को और पकड़ के ले गए लाहौर, ठीक है जी। कहाँ ले गए? लाहौर। और लाहौर में जो है इनको मार दिया, ठीक है जी। तो भक्तमल को जो है किसने मारा था? बैरम खान ने मारा था। कहाँ ले जाके मारा है? लाहौर में ले जाके मारा है। तो इस तरह से जो नूरपुर है, नूरपुर के राजा भक्तमल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है जी। सिकंदर भी चला गया आपका, और अकबर जो है वो आ जाते हैं कहाँ पे? दिल्ली की तरफ, और दिल्ली को हथिया लेंगे अकबर। क्लियर हुआ आपके पास ये? ठीक है जी। अच्छा, इतनी स्टोरी से कुछ आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, है ना।
बहुत सिंपल सी स्टोरी है, आप एक दो बार इसको देखेंगे और मैथ के थ्रू आप समझेंगे तो कुछ भी इसमें डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा, बस थोड़े से आपको नाम समझने में दिक्कत होगी एक दो बार, बट जब आप पढ़ेंगे तो वो चीजें बहुत इजी आपको लगेंगी। सिकंदर शाह हुई, भागते भागते चला गया नूरपुर, नूरपुर में थे भक्तमल, माऊ कोट किला है ना बनाया है सलीम शाह ने, और बस वो वाली स्टोरी। ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद क्या होगा कि जो अकबर है हुमायूं की डेथ हो जाती है, एंड आफ्टर हुमायूं जो राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे, अकबर बनेंगे। ठीक है जी, 1556 में, 1556 में जो राजा है वो कौन बन जाते हैं, अकबर। फिर वो आपको तो क्या होता है कि अकबर राजा बन गए, और अकबर ने भी क्या एक नया ये सिस्टम लेके आता है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो पहाड़ी राजा है ना उनके जो भी प्रिंस है उनको हम अपने यहाँ पे अपने मुगल कोर्ट में रखेंगे, है ना। मेन रीजन क्या था उसके लिए कि अगर आपका बच्चा किसी की कैद में है तो फिर आप जो है ना आवाज नहीं उठाओगे उसके अगेंस्ट। तो अकबर ने यही प्लानिंग की कि हम जो है जो भी राजपूत हैं जो पहाड़ी राजा हैं उनके प्रिंस को हम अपने पास रखेंगे, उनकी एजुकेशन उनका जो भी ट्रेनिंग है हम उनको देंगे। अकबर ये स्टार्ट करते हैं, जो हॉस्टेज प्रोसेस है अकबर ने ये स्टार्ट किया था। और देखिए अकबर के बाद जहांगीर आएंगे, तो जहांगीर के कोर्ट में आपको 22 पहाड़ी प्रिंस मिलेंगे जो वहीं पे रहते थे वो, है ना। तो हम देखेंगे ये देखिए दिल्ली, यहाँ पे राजा कौन, अकबर। ठीक है जी, और ये हम कांगड़ा मान के चलते हैं, कांगड़ा के जो राजा हैं वो आ जाएंगे अब जयचंद। जयचंद जो है वो है कांगड़ा के राजा। और इस टाइम पे आपको कौन कौन और याद रखना है, ये देखिए यहाँ पे गुलेर पड़ता है आपके पास, गुलेर, गुलेर के जो राजा हैं इनका नाम है रामचंद। ठीक है जी, रामचंद ये है गुलेर के राजा। और यहाँ पे हमको जो है वो जसवा मिलेगा साथ में, जसवा, जसवा के राजा है गोपी चंद, गोपी चंद। तो हमको इतना सा याद रखना है बस। ठीक है जी, जयचंद, रामचंद, गुलेर के राजा है, गोपीचंद है जसवां के, दिल्ली के हैं अकबर। तो क्या होता है अकबर ने जो है, ठीक है जी, अकबर ने किस पहाड़ी राजा को बंदी बना के अपने पास रख लिया था। तो अकबर ने जो जयचंद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, अकबर कांगड़ा के राजा जयचंद को अरेस्ट करके लाते हैं दिल्ली और मुगल जेल में उनको भर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है ना। किस राजा को बंदी बनाया था, तो जयचंद को बंदी बनाया था। अब बंदी बनाया था तो कोई ना कोई तो रीजन होगा कि क्यों बना लिया भाई। अब अकबर ऐसे थोड़ा भी किसी को उठ के बोला कि चलो जयचंद को पकड़ के लेके आओ, है ना, ऐसा तो नहीं है, रीजन है। अभी रीजन क्या है, रीजन है ये रामचंद। ये स्टोरी आप समझिएगा, क्या होता है कि जो ये नूरपुर है ना, आप जब मैप देखेंगे ये कांगड़ा है आपका, तो यहाँ पे इस जगह पे आपको नूरपुर मिलेगा। तो नूरपुर में जो है एक किला था, इस किले का नाम है कोटला फोर्ट, ये आपने ध्यान रखना कोटला फोर्ट कहाँ पे पड़ता था, नूरपुर में। तो ये जो कोटला फोर्ट है ना ये फोर्ट था रामचंद्र का, समझ पाया है ना। कोटला फोर्ट किसका है, कोटला फोर्ट है रामचंद्र का। अभी तो जो ये जयचंद है कांगड़ा के, ये अटैक करेंगे कोटला फोर्ट के ऊपर और कोटला फोर्ट छीन लेंगे किससे, रामचंद्र से। तो किले को लेके इनके बीच में लड़ाई थी, है ना, जयचंद और रामचंद्र के बीच में, जयराम करके आप याद रख लेना, आपको याद रह जाएगा, है ना। तो जय जो है आपके जयचंद है कांगड़ा के और राम कहाँ के हैं, गुलेर के, है ना, जयराम। तो इनके बीच में लड़ाई किसके लिए हुई थी, कोटला फोर्ट के लिए इनके बीच में लड़ाई होती है, जिसमें जो कोटला फोर्ट रामचंद का था वो छीन लिया जयचंद ने। अब जब जयचंद ने फोर्ट छीन लिया तो फिर रामचंद को तो बहुत बुरा लगा कि मेरा फोर्ट छीन लिया भाई। तो फिर रामचंद ने कंप्लेन की थी अकबर के पास जाके। ठीक है, रामचंद जाते हैं अकबर के पास और अकबर को ही शिकायत कर देंगे कि ये जो कांगड़ा का राजा है जयचंद ने खुद को ज्यादा ही बनता है, इसने मेरा किला ले लिया, ऐसे दो चार बातें उन्होंने और बोल दी। तो इस तरह से अकबर ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है। अकबर ने फिर क्या किया था, कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बना के अपने पास रख लिया। समझ पाया, पहला क्वेश्चन आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है कि जयचंद को उन्होंने बंदी बना लिया, जयचंद का जो बेटा है इनका नाम है विधिचंद। ठीक है जी, जयचंद के बेटे का नाम क्या है, विधिचंद। तो फिर विधिचंद को तो बहुत बुरा लगेगा ना कि मेरे फादर को ये बंदी बना के ले गए यहाँ से, तो
विधिचंद को आता है बहुत गुस्सा, है ना, और विधिचंद ने बहुत सारे रिवोल्ट कर दिए। तो पहाड़ी एरिया में अकबर के अगेंस्ट कौन विद्रोह करता है? विधिचंद विद्रोह करेगा, और इनका विद्रोह करना तो बनता भी है क्योंकि इनके फादर को तो ले गए थे अरेस्ट करके, है ना, इसीलिए विधिचंद जो है वो विद्रोह करेंगे अकबर के अगेंस्ट, और बहुत बार करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते ही रहेंगे। अकबर के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट किए हैं, ठीक है जी। जयचंद तो जेल में है, तो जितना भी कुछ काम करना है, जो रिवॉल्ट करना है, वो रिवॉल्ट कौन करेगा? विधिचंद जो है वो रिवॉल्ट करते हैं। और आप देखिए क्या होता है, 1572 के आसपास की बात है, ठीक है जी, 1572 के आसपास की बात है कि जो विधिचंद है, विधिचंद ने रिवॉल्ट कर दिया, है ना, जो पहाड़ी राजा हैं और जो भी पहाड़ी और रियासत थी उन सबको बोला कि भाई मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, सब लोग मेरी हेल्प करो। तो विधिचंद की सब लोग हेल्प करते हैं और सारी पहाड़ी जो रियासतें हैं वो अकबर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देगी। 1572 में अकबर बैठा है दिल्ली में, अकबर ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, मेरे अगेंस्ट विद्रोह कर रहे हैं। तो अकबर जो है इस विद्रोह को सुप्रेस करने के लिए किसको भेजते हैं? उनका नाम है खान जहान हुसैन कुली खान, ये एक ही पर्सन का नाम है। आप सिर्फ हुसैन कुली याद रख सकते हैं ना, हुसैन कुली खान आप याद रख सकते हैं। तो खान जहान हुसैन कुली खान, अकबर ने क्या किया, खान जहान हुसैन कुली खान को भेजा कि जाओ पहाड़ों में जो ये मेरे अगेंस्ट विद्रोह हो रहा है, इस विद्रोह को आप खत्म कर दो। और ये हुसैन कुली खान कौन थे? हुसैन कुली खान थे, ये देखें पंजाब है आपका, तो पंजाब के गवर्नर थे इस टाइम पे, है ना, पंजाब वाला एरिया भी मुगल्स के पास आता था, तो पंजाब के जो गवर्नर थे वो कौन थे? खान जहान हुसैन कुली खान। अकबर ने बोला इनको कि जाओ जरा अपने पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। तो खान जहान हुसैन कुली खान ने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। और साथ साथ में जो बीरबल है, कि जी बीरबल, तो जो बीरबल है वो उस टाइम पे लाहौर में थे, तो इन्होंने बीरबल को भी बोला कि आप भी जाओ जरा साथ में पहाड़ी एरिया में और देखो वहां पे क्या हो रहा है। बीरबल ने बोला कि ठीक है भाई हम दोनों साथ में चलेंगे। तो जो बीरबल है और ये हुसैन कुली खान है, ये दोनों जाएंगे 1572, ये डेट आप याद रखिएगा, 1572 में इस रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए। तो ये आते हैं पंजाब से, ये आएंगे लाहौर से, और ये दोनों मिलते हैं पठानकोट वाले एरिया में। इन्होंने प्लानिंग की होती है कि भाई कहाँ मिलना है, तो इन्होंने बोला कि पठानकोट में मिलते हैं हम लोग। तो ये कहाँ मिलेंगे? जो पठानकोट वाला एरिया है वहां पे बीरबल और आपके जो ये हुसैन कुली खान है वो मिलते हैं, फिर यहाँ से आगे साथ में चलेंगे। तो ये चल रहे हैं इस तरह से, और सबसे पहले पहुंचेंगे नूरपुर, ठीक है जी। पठानकोट के बाद ये देखिए इनका रूट, ये है पठानकोट, और पठानकोट के बाद ये कहाँ पहुंचते हैं? नूरपुर ये पहुंचेंगे, और नूरपुर में इनको कौन सा किला मिलेगा? इनको मिलता है कोटला फोर्ट, ठीक है जी। इनको कौन सा फोर्ट मिलेगा? कोटला फोर्ट, ये वही वाला कोटला फोर्ट है जिसकी लड़ाई हुई होती है जयचंद और रामचंद्र के बीच में, है ना। तो कोटला फोर्ट जो है वो इनको मिलता है। कोटला फोर्ट अभी किसके पास है? हाँ जी, कोटला फोर्ट जो है वो किसके गिरफ्त में है इस टाइम पे, बताओ आप? कांगड़ा कांगड़ा, है ना, वो जयचंद ने जीत लिया था ना, तो उन्हीं के पास वो फोर्ट है। तो कांगड़ा के पास जो है अभी वो कोटला फोर्ट है, उसको तो लेके लड़ाई हुई थी। तो इन दोनों ने क्या किया कि वो जो कोटला फोर्ट है वो कांगड़ा के कब्जे से छुड़ाया और वापस से किसको दे दिया? कांगड़ा जो कोटला फोर्ट है किसको कर देंगे वो वापस? हाँ जी बताओ बताओ, कोटला फोर्ट किसको वापस कर दिया? मैम रामचंद्र को रामचंद्र बिल्कुल, रामचंद्र आप बोले, क्योंकि वो किला रामचंद्र का ही तो था, है ना, तो बोला कि आज भाई रामचंद्र को भी खुश करते हुए चलते हैं, तो रामचंद्र को उनका किला वापस दे दिया, है ना। कोटला फोर्ट की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व, कोटला फोर्ट के बाद ही आगे बढ़ते हैं कांगड़ा की तरफ को। और ये कांगड़ा किला ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके होते हैं, कांगड़ा किला ये ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके होते हैं। कांगड़ा किला में कौन बैठे हैं अभी? कांगड़ा किला में है विधिचंद, क्योंकि पापा तो जेल में है ना, तो विधिचंद है यहाँ पे अभी। तो विधिचंद के पास पहुंच ही चुके होते हैं, बट इनको एक न्यूज मिलती है, और वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि पंजाब के ऊपर जो है वो अटैक हो चुका है, पंजाब के ऊपर अटैक कर दिया है किसने? मिर्जा ब्रदर्स ने, ठीक है जी। मिर्जा ब्रदर्स जो हैं वो अटैक करते हैं पंजाब के ऊपर, मिर्जा ब्रदर्स, दो मिर्जा ब्रदर्स थे ये,
एक का नाम है हुसैन मिर्जा और एक का नाम है मसूद मिर्जा। ठीक है जी, हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा। तो ये जो दो भाई हैं, इन मिर्जा ब्रदर्स ने अटैक किया था पंजाब के ऊपर। तो फिर अब हुसैन कुली खान क्या करेगा, ये अपना घर बचाएगा, ठीक है जी, ना कि वहां कांगड़ा में रहेगा। जैसे ही हुसैन कुली खान को ये न्यूज मिलती है कि आपकी टेरिटरी पे तो अटैक हो चुका है, तो हुसैन कुली खान ने बोला कि छोड़ो इन लोगों को, वापस चलो, अपनी अपना हम जगह बचाते हैं, अपना घर बचाते हैं। तो फिर हुसैन कुली खान और जो ये बीरबल हैं, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो ये विधिचंद है, विधिचंद को ये वार्निंग देते हैं, ठीक है जी, इनके साथ यहाँ पे ना ट्रीटी साइन कर लेंगे, बस लड़ाई लड़ाई कुछ नहीं इनके बीच में होती है। विधिचंद को ये बोलेंगे भाई लड़ना नहीं है, विद्रोह नहीं करना है, अगर विद्रोह किया तो देखना हम अगली बार नहीं छोड़ेंगे आपको, ऐसे है ना, ऐसा सा कुछ बोला। इनसे टैक्सेस वगैरह लिए एज पेनल्टी, गोल्ड लिया और जो भी कुछ इनके पास था, और फिर समझा बुझा के जो ये वापिस आ जाते हैं। और वापिस कहाँ आ गए, पंजाब में, और पंजाब में इन्होंने जो फिर आगे वाला काम संभाला। ठीक है, तो ये फर्स्ट अटैक था कांगड़ा के ऊपर, आप देखें। हाँ मैम, एक जी क्वेश्चन था। जो बिल्कुल, कोटला फोर्ट है वो रामचंद्र ऑफ गुलेर ने बनवाया था नूरपुर में। नहीं बनवाया नहीं था, बनवाया तो पता नहीं किसने बनवाया होगा, उनके पूर्वजों ने बनाया होगा, उन्होंने बनाया होगा, हमको नहीं पता। बट वो फोर्ट किससे संबंधित था, किसके पास वो फोर्ट था, तो रामचंद्र के पास था, ठीक है जी, रामचंद्र ओनर थे उसके। ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये दोनों अलग क्वेश्चन बन जाएंगे कि वो फोर्ट बनाया किसने था, वो पता नहीं किसने बनाया होगा, हमको एक ही जगह उसका जिक्र मिला है बस, रामचंद्र के टाइम पीरियड पे, हो सकता है उनके दादा परदादा किसने बनाया हो। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अटैक तो ये हुआ, उसके बाद क्या करते हैं, जो हम अकबर हैं, है ना, अकबर क्या बोलेंगे, अकबर ना टोडरमल को बोलेंगे, ठीक है जी, अकबर क्या करते हैं, टोडरमल को बोलेंगे, या का दिल्ली, ये है अकबर, अकबर ने बुलाया टोडरमल को। टोडरमल नाम सुना होगा आपने, टोडरमल जो है वो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है जी, ये कौन थे, इनके फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये बुलाते हैं टोडरमल को, और टोडरमल को क्या बोलेंगे कि आप जाओ पहाड़ी एरिया में, और वहां पे हमारा जो एरिया है ना, उस एरिया को आप प्रॉपरली मैनेज करो, भाई ये वाला एरिया जो है वो मुगल से कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है, ऐसा अपना एरिया देखने के लिए, अपने एरिया को मैनेज करने के लिए इसको भेजा गया था, टोडरमल को भेजा गया था, समझ पा रहे हैं। अकबर ने कांगड़ा किला नहीं जीता है, हमने कांगड़ा किला अभी तक नहीं पढ़ा कि इनके कंट्रोल में गया है, बट कांगड़ा फोर्ट नहीं है, लेकिन आपके जो कांगड़ा हिल्स हैं, कांगड़ा हिल्स इनके पास जरूर हैं, जो कुछ छोटी छोटी रियासतें हैं वो इनके कंट्रोल में आ चुकी हैं। तो अकबर किसको भेजते हैं, टोडरमल को भेजेंगे कि आप जाएं और हमारे एरिया को वहां पे जो है वो आप मार्क करो कि कौन कौन से एरियाज हमारे हैं। तो टोडरमल आते हैं पहाड़ी एरिया में, और 66 विलेजेस, 66 विलेजेस जो है कांगड़ा के, ठीक है जी, और आपका जो चंबा है, चंबा का रिहिलू एरिया, ठीक है, चंबा का रिहिलू एरिया जो है वो ये इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि ये वाला एरिया जो है वो मुगल्स का एरिया। तो मुगलों के पास कौन सा एरिया था, 66 गांव कांगड़ा के, रिहिलू एरिया लेते हैं चंबा से, ठीक है, चंबा से रिहिलू है, पथियारा एरिया है, ठीक है, पथियारा, पथियारा एरिया आएगा, एंड चुराही एरिया, चुराही एरिया एंड तिस्ता, तिस्ता, ये फोर एरियाज आप याद रखिएगा, ये चारों जो है वो चंबा के एरियाज थे, ठीक है जी, एरिया चंबा के थे, पथियारा, चुराही, तिस्ता, ये वाले जो एरियाज हैं चंबा के एरियाज हैं। तो 66 विलेजेस और ये एरियाज जो इकट्ठे किए जाते हैं, और इन एरियाज को बोला जाता है कि अभी से जो है ये एरियाज किसके पास हैं, तो ये एरियाज जो है वो मुगलों के पास मिलेंगे, ठीक है जी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखिए पथियारा एरिया हमको मिलता है कांगड़ा में, तो ये एरिया कांगड़ा में ही था, चंबा के किस राजा ने पथियारा एरिया जीत लिया था, आप बताइए, हमने चंबा में पढ़ा है, चंबा के किस राजा ने पथियारा रीजन जीत लिया था, और बाद में चंबा वालों से मुगलों ने ये एरिया ले लिया, हमने वहां पढ़ा था, और मैंने बोला था कि ये हम कांगड़ा में ही पढ़ेंगे, है ना, तो देखो आज पढ़ रहे हैं, अब बताओ आप किसने जीता था, जो एरियाज नहीं किसके पास आ जाते हैं, मुगलों के पास जो ये एरियाज आ जाएंगे, और अकबर ने क्या बोला था, अकबर ने ये बोला कि सारा एरिया इकट्ठा करके आपको किसको देना है, बीरबल को देना है, ठीक है जी, बीरबल,
इस तरह से जो ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ के राजा कौन थे? बीरबल थे, समझ पाया? टोडरमल को भेजा गया था यहाँ पे लैंड मैनेजमेंट के लिए, उन्होंने ही सारे एरियाज को इकट्ठा किया और किसको दे दिया? बीरबल को। तो आपसे पूछे कि पहाड़ी एरिया का राजा कौन था मुगलों के टाइम पे, अकबर के टाइम पे? आंसर इज बीरबल। ठीक है, तो ये वाला इस तरह से जो ये भूमि बंदोबस्त है वो हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट डेट हम पढ़ेंगे अभी 1582 के टाइम पीरियड की, 1582 में। अब क्या होता है आगे चल के? अकबर जो है इनको जाना था काबुल। ठीक है जी, काबुल। अकबर जो है वो काबुल जा रहे थे, काबुल में एक रिवॉल्ट हुआ था, उस रिवॉल्ट को सुप्रेस करने के लिए। ठीक है, मैं काबुल जाता हूँ, तो ये काबुल जा रहे हैं इस तरह चल पड़ेगी, और ये पहुंचते हैं यहाँ पे जो आपका पठानकोट वाला एरिया है। पठानकोट वाले एरिया में ही पहुंचते हैं और फिर क्या सोचेंगे कि मैंने नगरकोट के बारे में तो बहुत बार सुना है, तो क्यों ना मैं वहां भी हुआ हूँ, उसके बाद आगे चलूंगा। तो पठानकोट से फिर ये इधर बढ़ते हैं आपके पास, नगरकोट मतलब है ना, कांगड़ा ही जाते हैं। तो नगरकोट ही जाएंगे, कांगड़ा ही जाते हैं नगरकोट। अकबर जो है वो, उन्होंने कांगड़ा विजिट किया है, कब किया है? 1582 में किया है। और इस टाइम पीरियड की एक ही स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्वालाजी वाली। ठीक है जी, ज्वालाजी, ज्वालाजी। तो ज्वालाजी हमको कहाँ मिलता है? ज्वालाजी जो मंदिर है वो कांगड़ा में ही है ना, आपको पता होगा। तो ज्वालाजी में क्या है? ज्वाला माता है, वहां पे वो अग्नि है, अग्नि को ही जो है हम लोग माता की तरह पूजते हैं, कि वहां पे जो वो साक्षात देवी हमको मिलती है। तो क्या होता है कि जो अकबर है, अकबर तो नहीं मानते थे है ना, उनका मानना ये था कि ये तो बस आग है और ये ऐसे ही है ना इस तरह। तो अकबर ने बोला कि ना, मैं नहीं मानता, और अकबर ने बोला कि इस आग को मैं बुझा दूंगा। तो उन्होंने क्या किया था, एक नहर बनवाई थी पानी की है ना, और उस नहर से उन्होंने बोला कि ये नहर के थ्रू मैं पानी लेके आऊंगा, और पानी से तो जो आग है वो बुझ ही जाती है वैसे भी। तो उन्होंने वो नहर बनवाई ज्वालाजी तक, बट क्या हुआ कि उस नहर में पानी ही नहीं आग की तरफ आया, अब वो पानी नहीं उसमें बढ़ रहा है, तो फिर वो वाला प्लान भी फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला कि जो ये जोत है उसके ऊपर मैं लोहे का तवा रख दूंगा, मतलब कि लोहे से आप उसको कवर कर दोगे इस तरह से, तो आग तो बुझ ही जाएगी। अकबर ने एक बहुत बड़ा तवा लिया लोहे का और उसको कवर कर दिया इस तरह से ना, आग को कवर कर दिया ऊपर तवे से। बट क्या हुआ कि जो आग है उस तवे को चीरते हुए जो बाहर की तरफ निकल जाती है ना। तो फिर अकबर जो है वो मान जाते कि नहीं, कोई देवी शक्ति यहाँ पे है। ठीक है जी, और बस वो भी फिर प्रणाम करते हैं उसके बाद। और अकबर ने फिर क्या किया था, देवी शक्ति को मानने के बाद वहां पे सोने का छतर चढ़ाया था। ठीक है जी, छतर समझ रहे हैं आप? सोने का जो छतर है वो चढ़ाते हैं ज्वालाजी में, और सोने का चढ़ाया है ना, और वो भी ये शो करने के लिए कि देखो मैं राजा, मैं पूरे इंडिया का राजा हूँ और मैं आपके दरबार में आया हूँ, मैं राजा हूँ तो मैं छोटी मोटी चीज पर भी चढ़ाऊंगा, मैं चढ़ाऊंगा सोने का छतर। तो फिर वो जो छतर है वो लोहे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह की हमको स्टोरी मिलती है अकबर से रिलेटेड, ज्वालामुखी है ना। तो ज्वालाजी और अकबर, इनके बारे में हम कहानी पढ़ते हैं, तो ये वही है कि ज्वालाजी, ज्वाला माता को बुझाने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए थे बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। है तो यही तक। फिर अकबर ने बोला कि आगे नहीं मैहर मित्तल जाना। वाला जो है, अच्छा अकबर वाला तो उधर है, मंदिर में है। अच्छा ठीक है जी, है ना, तो आपने देख रखा होगा ये है ना ज्वाला जी में, तो वहां पे पीतल वाला छत्र, ये वही वाला छत्र है ना जो लोहे का था, फिर वो पीतल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो अकबर जो है ज्वाला जी के बाद ये आगे नहीं बढ़े, फिर उन्होंने बोला कि भाई अपना काम निपटाता हूँ मैं, जहां मैं जा रहा था आगे तो फिर मंदिर ही मंदिर है पहाड़ों में, तो अभी अगले मंदिर में जाऊंगा वहां कुछ और मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ना ऐसा कुछ नहीं, तो ये कांगड़ा किला नहीं गए है ना। अकबर कांगड़ा किला गए हैं नहीं गए हैं हमको नहीं पता है ना, गए कि नहीं गए कुछ भी इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती। अकबर निकल गए आगे, तो 1582 में हमारे पास ये वाली चीज होती है। ठीक है, 1582 में ये अकबर और ज्वालाजी वाला इंसिडेंट आपको याद रखना है। अभी आप देखें कि जो आपके राजा है वो जयचंद है ना, तो जयचंद कहाँ पे थे? मुगलों की गिरफ्त में जो थे वो जयचंद थे अभी। तो जयचंद की डेथ हो जाती है, ठीक है, 1585 में जो है वो जयचंद की डेथ हो जाएगी, और कांगड़ा के राजा कौन बन जाएंगे? विधिचंद। काम तो वैसे विधिचंद ही कर रहा है, कब से बेचारा ये रिवॉल्ट कर रहा है, बट ये राजा तो नहीं थे, राजा तो अभी तक फादर ही है। तो फादर की डेथ हो जाती है 1585 में, और राजा कौन बन जाएंगे? विधिचंद। ठीक है जी, अब हम यहाँ से आगे विधि चंद पढ़ेंगे। तो
विधि चंद जो है अकबर के टाइम के राजा बन गए हैं, और एक्सक्यूज मी इन्होंने मैम, क्या किया। जी जयचंद की डेथ जो है मुगलों के इधर ही प्लेस पे हुई थी। हाँ बिल्कुल, मुगलों के पास ना, मुगलों की ही ओके जेल में जो डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ हो गई। एंड फाइनली जब उनकी डेथ हो जाती है तो राजा बन जाएंगे आपके विधि चंद, है ना, ऑफिशियली ये गद्दी पे बैठ जाते हैं। काम इन्होंने वही करना है, अभी भी ये रिवॉल्ट ही कर रहे हैं क्योंकि इनको अकबर बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। तो विधि चंद ने 1588-89, ठीक है जी, 1588-89 में जो है ये अकबर के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। 1589-88 सारे पहाड़ी राजाओं को इकट्ठा करते, चलो भाई रिवॉल्ट कर लें, और सभी लोगों ने बोला कि हाँ भाई चलो, है ना, और सब लोग रिवॉल्ट करते हैं 1588-89 में। तो अकबर जो है इस विद्रोह को खत्म करने के लिए किसको भेजेंगे, उनका नाम है जैन खान कोका, ठीक है, जैन खान कोका। तो जैन खान कोका जो है उनको भेजा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। 1588-89 में जैन खान कोका को भेजा गया है इस रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए। जैन खान कोका ने रिवॉल्ट खत्म किया, बट जैन खान कोका ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस टाइम पे। इसका मानना है कि भाई ये आपका जो विधि चंद है ये तो बार बार रिवॉल्ट ही करता रहेगा, तो मैं क्या पहाड़ों की तरफ भागता रहूंगा बार बार इसके रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए। जैन खान कोका ने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन क्या था, विधि चंद का जो बेटा है इनका नाम है त्रिलोक चंद, ठीक है, त्रिलोक चंद है विधि चंद के बेटे का नाम। तो त्रिलोक चंद को उन्होंने बोला कि चल भाई तू साथ चल, त्रिलोक चंद को ये ले गए मुगल दरबार में और वहां पर रखा कि मैं इनको अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा पढ़ाऊंगा, है ना, ट्रेनिंग दूंगा सारी चीजें। तो अब त्रिलोक चंद जो है ये कहाँ चला गया है, त्रिलोक चंद चला गया है दिल्ली, ठीक है जी, किसका बेटा, विधि चंद का बेटा, है ना। जैन खान कोका ने बोला कि अपना बेटा दो भाई इधर, हम इसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि है ना वही बात कि अगर अब इनका बेटा मुगलों के पास है तो ये विद्रोह नहीं करेंगे, ये बात यहाँ पे होती है। फिर देखें 1594 में क्या होता है कि जो हिली राजाज हैं, जो पहाड़ी राजाज हैं, एंड राजा ऑफ जसरोटा, मेनली राजा ऑफ जसरोटा जो है, ये लोग विद्रोह करते हैं मुगल के अगेंस्ट, ठीक है जी। ये 1594 की बात है, तो मुगलों के अगेंस्ट कब विद्रोह हुआ है, अगला विद्रोह 1594 में विद्रोह होता है, सारे पहाड़ी राजा विद्रोह कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या विधि चंद जो है इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा 1594 के। मैम नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों करेगा, है ना, इन्होंने त्रिलोक चंद की गर्दन पे छुरी चाकू रखा है वहां पे कि कर जरा रिवॉल्ट, अभी बताते तेरे बेटे को निकालेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो वही वाला आप इमेजिन करो कि बेटे की जो गर्दन है वो तो मुगलों के हाथ में है, तो ये चुपचाप बैठा है, सारे पहाड़ी राजा बुला रहे कि आजा भाई आजा, है ना, जब तुमने बुलाया तो हम तो सब आए, जब हम बुला रहे तो तुम भी आओ, विधि चंद चुपचाप बैठा है बेचारा, है ना, तो ये नहीं पार्टिसिपेट करता है। तो 1594 के रिवॉल्ट को सुप्रेस करने के लिए जो अकबर है वो किसको भेजेंगे, वो भेजते हैं शेख फरीद, ठीक है जी, शेख फरीद, ये आपने याद रखना नाम शेख फरीद, और शेख फरीद को ही टाइटल दिया गया है मुर्तजा खान, ठीक है जी, मुर्तजा खान, ये आपने नाम याद रखना है, शेख फरीद ही मुर्तजा खान है, पूरा नाम आ जाएगा इनका शेख फरीद मुर्तजा खान। तो 94 का जो अटैक है इस रिवॉल्ट को सुप्रेस करने के लिए भेजा गया है शेख फरीद मुर्तजा खान और मिर्जा रुस्तम कांधारी, मिर्जा रुस्तम कांधारी, ठीक है जी, मिर्जा रुस्तम कांधारी। तो ये दो लोगों को भेजा गया था, मिर्जा रुस्तम कांधारी एंड मुर्तजा खान, ठीक है, शेख फरीद इज मुर्तजा खान। तो बस इस तरह से जो है ये रिवॉल्ट खत्म होता है, ये आएंगे और इस रिवॉल्ट को ही सुप्रेस कर देंगे। फिर आगे चल के जो अकबर है, अकबर की डेथ हो जाएगी, एंड आफ्टर अकबर राजा कौन बनेंगे, अकबर के बाद राजा बनते हैं जहांगीर, ठीक है जी, ये देखें जहांगीर जो है वो राजा बनेंगे। और सेम टाइम पे जो विधि चंद है, विधि चंद की भी डेथ हो जाती है, तो विधि चंद के बाद अगले राजा कौन बनेंगे, त्रिलोक चंद बनेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो मुगलों के राजा हैं, मुगलों के राजा बन जाएंगे जहांगीर, और कांगड़ा में राजा कौन बन जाएंगे, त्रिलोक चंद बन जाएंगे, ठीक है जी। टाइम पीरियड है 1605, दोनों ही साथ में राजा बनेंगे, आप याद रख सकते हैं जहांगीर और त्रिलोक चंद, ठीक है जी। तो हमको
अकबर के बारे में इतना ही पढ़ना है कि अकबर के टाइम पे क्या हुआ। तो अकबर ने बहुत सारे अटैक्स किए हैं, हम तो सिर्फ 3-4 अटैक पढ़े हैं, बहुत सारे किए हैं, बहुत बार किए हैं, बट वो सारे अटैक हमको पढ़ने जरूरी नहीं है क्योंकि हुआ कुछ भी नहीं था उसमें, है ना। क्या कांगड़ा किला जो है वो अकबर के टाइम पे आ चुका है मुगलों के पास? तो नहीं आया है, इसकी हमको जानकारी कहीं भी नहीं मिलती है। अगर आपको ये चीजें बहुत बहुत समराइज करनी हो तो आप देखें अकबर लिखे आप इस तरह से 1572, आपको याद रखना है पहला अटैक होता है, फिर 1582 आपने पढ़ा है, ठीक है जी, फिर 1585 आपने पढ़ा है, ठीक है, सॉरी 89 पढ़ा है आपने, 88 एंड 89 एंड देन 1594। तो 1572 में रिवॉल्व को खत्म करने किसको भेजेंगे? हुसैन खान को, है ना, हुसैन कुली खान, हुसैन कुली खान को भेजा था। 88 में जो रिवॉल्ट हुआ था इसको सप्रेस करने के लिए किसको भेजा है? जैन खान कोका, जैन खान कोका। एंड उसके बाद 94 में भेजा है शेख फरीद को, शेख फरीद, ठीक है जी, शेख फरीद और मिर्जा रुस्तम कांधारी, ठीक है। तो शेख फरीद इसमें आपने याद रखना है। तो बस 82 में तो वो ज्वालाजी वाली स्टोरी आ जाएगी यहाँ पे आपकी, ज्वालाजी। इस तरह से जो कंफ्यूजन होगा आपको, वो कंफ्यूजन कहाँ होगा? अभी इन डेट्स में होगा और इन लोगों में होगा कि किसको भेजा, 72 में किसको भेजा, 75 में किसको भेजा, यहाँ पे ही आपको कंफ्यूजन होगा, बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। और धीरे धीरे आप इनके नाम को पढ़ते जाएंगे, आपको वो समझ आती जाएंगी। बट क्या है ना, अभी तो आपको समझ आ रहा है, बाद में सब इकट्ठा होगा, गजनवी भी इकट्ठा हो जाएगा, फिर मोहम्मद बिन तुगलक भी इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद हमने शेरशाह सूरी पढ़ा, उन्होंने भेजा था किसी को, है ना, खाबस खान को भेजा था, हामिद खान तुकार को भेजा था। तो ये अकबर के टाइम पे 3 लोगों के आपको और नाम याद रखने हैं, तो बाद में चल के सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए इनको आप साथ साथ में रिलेट कर लें, जैसे आपका शेरशाह सूरी भेजते हैं खाबस खान को, तो आप शेर याद रख लेना कि जो शेर है, शेर खाने आ गया है ना, शेर तो अटैक कर लेगा, खा लेगा आपको, तो शेरशाह सूरी ने खाबस खान, खाबस पूछा से आपको याद रह जाएंगे। अकबर भेजता है हुसैन कुली खान, तो या हुसैन से आप याद रख लेना कि कोई मतलब बहुत सुंदर सी लड़की है ना, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, ऐड देखी होगी आपने, है ना, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवां, तो वहां से वो हुस्न वाला कुछ आप इमेजिन कर लो कि बहुत हुस्न बहुत सुंदर सा, ठीक है। फिर जैन खान कोका, कोका से आप रिलेट कर लेना इसको, कोका का मतलब क्या होता है? हाइली तेरा कोका, वो सुना होगा आपने, है ना, मतलब बहुत ब्यूटीफुल वो लग रही है, उन्होंने बहुत सुंदर सा कोका डाल के रखा है, नो स्पिन, है ना, कोका नो स्पिन तो बोलते हैं, तो कोका आप वहां से रिलेट कर लेना। और वो इतनी सुंदर लड़की कोका डाल के शेक पीजिए, है ना, तो जो भी मैंगो शेक स्ट्रॉबेरी शेक कुछ भी वो पी रही है, सिर्फ 3 लोग ना आप रिलेट कर लोगे अकबर से। अब पूरा पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना, हुसैन खान और फिर कोका है और फिर शेक है, 3 लोग आपके पास रिलेट, मतलब ऐसे मैंने याद किया था। अपनी अपनी कहानियां होती है ना, अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है, तो आप अपनी कुछ भी इमेजिनेशन बना सकते हैं, अपनी कुछ भी आप कहानी बनाओ, आपकी मर्जी है, बट कभी भी डायरेक्टली याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे, फिर लंबे टाइम के लिए नहीं याद रहेगा। तो लंबे टाइम के लिए आपको याद रखना है, तो इस तरह से ही कुछ अपनी अपनी आप कहानियां बना लेना, है ना। तो ये हो गया आपके पास, अब हम पढ़ेंगे आगे जहांगीर, ठीक है जी। अकबर तक आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, अकबर के बाद हम आते हैं जहांगीर पे फिर। हाँ जी चले आगे हम, अब आप देखें हल्का सा, ये दिल्ली है, यहाँ पे राजा है आपके पास जहांगीर, और ये आपका कांगड़ा है, कांगड़ा मतलब ये हिमाचल है, और हिमाचल में ये जगह आ जाएगी कांगड़ा हमारे पास, ठीक है जी। तो कांगड़ा के जो राजा है ये कौन थे? अभी त्रिलोक, त्रिलोक चंद जो है वो राजा बनते हैं, और त्रिलोक चंद एक क्वाइन इशू करेंगे, उसका नाम है हरा तीता, हरा तीता, ये आपने ध्यान रखना है, हरा तीता जो करेंसी है, जो क्वाइन है, ये कौन इशू करते हैं? तो हरा तीता क्वाइन इशू करते हैं त्रिलोक चंद, ठीक है जी, हरा तीता क्वाइन कौन इशू करेगा? त्रिलोक चंद जो है वो हरा तीता क्वाइन इशू करते हैं, उन्होंने क्वाइन इशू कर दिया।
बस एक ही काम उन्होंने किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया उन्होंने, है ना। तो उसके बाद त्रिलोक चंद के बाद जो अगले राजा आएंगे वो आएंगे हरी चंद सेकेंड। हरिचंद सेकेंड आप याद रखिए, कांगड़ा के राजा। तो लेकिन जहांगीर कंटेम्प्रोरी आपको त्रिलोचन मिलेंगे और उसके बाद हरिचंद। हरिचंद फर्स्ट आपने पढ़े हैं, है ना। हरिचंद फर्स्ट आपने कहाँ पढ़े हैं आप ये बताइए। हरिचंद फर्स्ट गुलेर के फाउंडर, बिल्कुल, है ना। गुलेर के फाउंडर 1405 में आप हरिचंद पढ़ते हैं पहले, और ये दूसरे हरिचंद है। तो ये आ जाएंगे आपके पास जहांगीर के टाइम पीरियड पे, ठीक है जी। देखिए त्रिलोक चंद ने अब तक कॉइन इशू किया है, तो इस तरह से मैंने 3 कॉइन्स पढ़ लिए हैं, 3 कॉइन्स हिमाचल प्रदेश में। आप बताएं चकली कॉइन जो है वो किस राजा ने इशू किया था। चकली, बिल्कुल बिल्कुल, साहिल वर्मन ऑफ चंबा, है ना। और एक कॉइन आपने बुशहर में पढ़ा है, कहेरी सिंह ने जो इशू किया था। हाँ जी, क्या नाम है उसका। पहला पहला समथिंग क्वाइन, पहला क्वाइन, बिल्कुल जी, कहरी सिंह, है ना, बुशहर रियासत। और तीसरा क्वाइन आ गया भरती का। यही करेंसी आपने पढ़नी है, बस यही है, एक ही जगह आप इसको लिख लो चाहे तो। चकली क्वाइन साहिल वर्मन इशू करते हैं, कहरी सिंह ने किया पहला क्वाइन, और भरती का पढ़े त्रिलोचन के टाइम पे, ठीक है। तो बस ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। चलिए हम अभी पढ़ रहे हैं जहांगीर के टाइम पीरियड पे। तो देखें जो जहांगीर हैं, जहांगीर क्या सोचेंगे कि मुझे चाहिए कांगड़ा किला। अब कांगड़ा किला को लेके जो काम करेगा वो काम कौन करता है, जहांगीर करता है, ठीक है। इससे पहले आपने कांगड़ा किले के बारे में नहीं सोचा अभी तक, नहीं सुना। तो जहांगीर के मन में क्या था कि मुझे कांगड़ा फोर्ट जीतना है। अब कांगड़ा फोर्ट जीतने के लिए 1615 में, ठीक है जी, 1615 में ये किसको भेजेंगे। तो ये इस टाइम पे भेजते हैं शेख फरीद को। ये वही शेख फरीद है, ठीक है। शेख फरीद और मुर्तजा खान भी इन्हें कोई बोला गया है ना। शेख फरीद को ये भेजेंगे, तो शेख फरीद जो है चल पड़ते हैं कहाँ के लिए, कांगड़ा की तरफ, कि कांगड़ा किला हम कैप्चर करेंगे। बट आप ये देखिए कि शेख फरीद को क्या पता कि पहाड़ी एरिया कैसा है। तो फिर जो ये जहांगीर है ये बोलेंगे सूरजमल को। देखिए साथ में एक पर्सन है सूरजमल, और सूरजमल कहाँ के राजा है, ये है नूरपुर के राजा। नूरपुर, नूरपुर जो था इस टाइम पे मुगलों के कंट्रोल में आपको नूरपुर मिलेगा। तो आप देखें कि जहांगीर ने जो किसको ऑर्डर दिए, आपका जो सूरजमल है इसको ऑर्डर दिए कि भाई चलो साथ में दोनों लोगों ने अटैक करना है। तो 1615 में कौन लोग अटैक करेंगे कांगड़ा के ऊपर, शेख फरीद अटैक करेगा और सूरजमल अटैक करेगा। ये सूरजमल कहाँ का है, तो ये सूरजमल है नूरपुर का। क्लियर हुआ आपको। आपने इस सूरजमल को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे, क्योंकि हम नूरपुर में भी नहीं कोई पढ़ेंगे सूरजमल को ही। तो ये जो सूरजमल है बेशक ये मुगलों के पास है, बट ये मन से बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कांगड़ा किला जो है किसके पास चला जाए, मुगलों के पास चला जाए, बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, ठीक है। बट इन्होंने बोला कि ठीक है मैं हेल्प करता हूँ। तो शेख फरीद और सूरजमल ये दोनों चल पड़ते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कांगड़ा की तरफ ही चल पड़ते हैं। तो चलते 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 जैसे ही कांगड़ा पहुंचने वाले होते हैं, सूरजमल ने क्या किया ना, लड़ाई स्टार्ट कर दी शेख फरीद के साथ। ऐसे उसको बार बार कुछ कुछ बोले जा रहा है ना, बेफालतू में लड़ाई शुरू कर देता है इसके साथ ही, शेख फरीद के साथ। तो जो शेख फरीद है इतना इरिटेट होता है कि जहांगीर को कंप्लेंट कर देगा इसकी, है ना। और जहांगीर तो फिर ये बोलता है कि क्या बंदा भेजा है आपने साथ मेरे, ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ये नहीं है साथ में ठीक। तो फिर जहांगीर को बोला कि इसको वापस बुलाओ आप। तो जहांगीर जो है उस सूरजमल को वापस बुला लेते हैं, समझ पाया, है ना। ये दोनों लोग गए थे शेख फरीद और सूरजमल, बट सूरजमल को जो है वो वापस बुला लिया जाता है कि भाई आ जाओ वापस आ जाओ। तो सूरजमल वापस आ गए जहांगीर के पास। तो सूरजमल ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया था, झूठ झूठ मेरे ऊपर ये जो है वो झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर जहांगीर ने बोला कि चलो ठीक है हम देखते हैं अभी। तो सूरजमल तो वापस आ गए, शेख फरीद जा रहे हैं आगे लड़ने के लिए इस तरह से। बट अनफॉर्चुनेटली शेख फरीद की डेथ हो जाती है, ठीक है जी, रास्ते में ही जो शेख फरीद है इनकी हो जाएगी डेथ, समझ पाए आपे। तो इस तरह से जो इनका फर्स्ट अटैक था वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। फर्स्ट अटैक जहांगीर ने कब किया था, 1615 में, सूरजमल को तो वापस बुला लिया और शेख फरीद की हो गई डेथ, ठीक है। तो कांगड़ा किला ये नहीं जीत पाए। और जो शेख फरीद के कहां के थे, जो पंजाब वाला एरिया था
यहाँ के गवर्नर थे शेख फरीद, है ना, इनको भेजा था। समझ पाया? तो बस ये प्लान इनका कैंसिल हो गया, है ना। अभी जहांगीर के मन में तो है कि नहीं, मुझे तो कांगड़ा किला जीतना है। तो फिर जहांगीर क्या सोचते हैं कि ऐसा करता हूँ कि मैं अब किसी और पर्सन को भेजूंगा। तो ये 1617 की बात है, जनवरी की, जन स्टार्टिंग 1617, है ना। आप देखिए, मानसिंह आपको राजा मिलेंगे, मानसिंह जो है, ये है आपके जयपुर, जो राजस्थान में जो जयपुर वाला एरिया है, यहाँ के ये राजा है, राजपूत है बेसिकली, ठीक है। राजस्थान में जो ये मानसिंह है, यहाँ के राजा है। तो मानसिंह को जो है वो पंजाब का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, मुगली अपॉइंट करेंगे, क्योंकि जो ये पंजाब है, ये तो शेख फरीद के पास था, है ना। शेख फरीद की डेथ हो गई है, तो किसी ना किसी को तो पंजाब में अपॉइंट करेंगे। तो पंजाब में किसको अपॉइंट किया है, मानसिंह को जो है वो अपॉइंट कर दिया पंजाब में, ठीक है। अब 1617 में जो मानसिंह को बोला कि जाओ और कांगड़ा किले को जीत के आओ, मानसिंह ने बोला कि ठीक है, मैं जीत के आऊंगा, है ना, कांगड़ा किला को। लेकिन क्या होता है, जब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी, तो आप देखें आपके जो राजा हैं जम्मू के, ठीक है, जम्मू के राजा हैं, इनका नाम है संग्राम, संग्राम ये है जम्मू वाले एरिया के राजा। समझ पाया? जम्मू वाले एरिया के राजा हैं। तो आप ये देखें कि जो मानसिंह ये चलते हैं कि ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ कांगड़ा किले के ऊपर अटैक करने के लिए, बट रास्ते में ही जो इनको कौन मिल जाता है, संग्राम पाल इनको मिल जाएंगे, जो कि जम्मू के राजा हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी और संग्राम जो है ये मानसिंह को मार देंगे, कांगड़ा पहुंचने से पहले मार दिया। तो बस ये जो इनका सेकेंड अटैक था वो भी अनसक्सेसफुल हो जाएगा, है ना, अनसक्सेसफुल ही हो जाता है। समझ पाया कि क्या स्टोरी थी? पंजाब बिल्कुल खाली था, तो जो मानसिंह है जयपुर वाले एरिया के, उनको पंजाब वाला एरिया दे दिया गया। मानसिंह को बोला कि जाओ कांगड़ा किला पे अटैक करो, बट मानसिंह को कौन मार देता है, पहले ही जो संग्राम है जम्मू के राजा जो है वो इनको मार देंगे। तो फिर जब वो मर गए तो वो कैसे अटैक करेंगे फिर? तो सेकेंड अटैक जो है 1617 का, वो भी फ्लॉप, ठीक है जी, फ्लॉप हो गया। तो फिर जहांगीर है, इन्होंने बोला कि नहीं, जीतना तो है हमें, है ना, कांगड़ा को जो है हम जीतेंगे, कितना किसी तरह तो हमको जीतना है। तो फिर ये दोबारा से अटैक करेंगे 1617 में, और इस टाइम पे ये भेजेंगे शाहकुली, ठीक, शाहकुली मोहम्मद, शाहकुली खान मोहम्मद ताकी, शाहकुली खान मोहम्मद ताकी को जो है ये भेजते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, शाहकुली खान मोहम्मद ताकी, और शाहकुली खान मोहम्मद ताकी के साथ सूरजमल, दोबारा से, ठीक है जी, शाहकुली खान मोहम्मद ताकी के साथ सूरजमल को ये भेज देंगे। समझ पाया? आप थर्ड अटैक की बात हो रही है, तो इन्होंने कब भेजा है, इनको भेजा है सितंबर 1617 में, सितंबर 1617, क्योंकि जहांगीर नहीं मान रहा है, जहांगीर को तो कैप्चर करना ही करना है कांगड़ा वाला किला, ठीक है जी, कांगड़ा फोर्ट। तो ये थर्ड अटैक जो किसको करने के लिए भेजते हैं, शाहकुली खान मोहम्मद ताकी विद सूरजमल, सूरजमल वही नूरपुर वाले। अभी दोनों लोग चल पड़े आपके, है ना, शाहकुली खान भी चल पड़े, मोहम्मद ताकी भी चल पड़े, और ये जा रहे हैं कहाँ की तरफ, तो ये जा रहे हैं कांगड़ा की तरफ कि अब तो हम जीत लेंगे। और ये जाते हैं तो देखिए, सूरजमल तो वही इंटेंशन है, सूरजमल नहीं चाहते हैं कि कांगड़ा किला कहाँ जाए, मुगलों के पास चला जाए। तो सूरजमल ने क्या किया इस बार, बहुत स्मार्टली इन्होंने एक्ट किया, और इन्होंने जो है शाहकुली खान जो मोहम्मद ताकी है, मोहम्मद ताकी के साथ लड़ना शुरू कर दिया, है ना, कि बात बात पे इनको ऐसी वो तेज कर रहे हैं, और कुछ भी इनका लड़ाई शुरू कर दी, और पहले ही जहांगीर को कंप्लेन कर दी, जहांगीर को जाके बोल दिया कि आपने क्या बंदा भेजा है साथ में, ये तो ये भी लड़ रहा है ना, और ये बस फालतू में चला है साथ साथ में। तो सूरजमल जो है वो पहले ही कंप्लेन कर देते हैं जहांगीर के पास। जहांगीर ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, चलो वापस आओ। तो इस बार किसको वापस बुला लिया जाता है, जो ये मोहम्मद ताकी है, इनको उन्होंने वापस बुला लिया जहांगीर ने। अब अकेला लीडर कौन है, ये जो सूरजमल है, यही आपके पास अकेले लीडर आपको मिलेंगे जो जा रहे हैं कहाँ को, कांगड़ा की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी मुगल आर्मी है और सूरजमल है जो मेन लीडर, नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं आगे तरफ। उन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि इतनी सारी आर्मी है ना, अब इतनी सारी आर्मी को अकेले हैंडल करना तो डिफिकल्ट है, तो इन्होंने ना आर्मी को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सूरजमल बोलते हैं आधी सी आर्मी को कि हमारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, जाओ लेके आओ, आधी आर्मी भगा दी। कुछ लोगों को बोला कि हमारे पास जो हथियार है वो खत्म हो गए हैं,
जाओ लेके आओ, मतलब इस तरह से इन्होंने आर्मी जो मुगल आर्मी थी तो कम 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 करना शुरू कर दिया। और जैसे ही कांगड़ा के पास पहुंचते हैं, फिर कांगड़ा के पास से पहुंचते हैं वैसे ही जो है सूरजमल ओपन रिवोल्ट कर देंगे अगेंस्ट मुगल। सूरजमल ने अपनी फटाफट से अपनी आर्मी बुलाई नूरपुर से कि भाई जल्दी आओ है ना, और अपनी आर्मी को ये बुलाते हैं, उसके बाद ये मुगलों के अगेंस्ट ओपन रिवोल्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जहांगीर ने जो है वो 3 बार भेजा था, 1615 फिर 17 जैन फिर 6 सेप्टेम्बर 17 में ही भेजा था। अब जो सूरजमल है उन्होंने ही विद्रोह कर दिया है, यही सूरजमल आपके पास यही विद्रोह कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, जहांगीर के अगेंस्ट जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है जी, फिर जहांगीर क्या सोचेगा आप कि कांगड़ा किला बाद में देखेंगे, पहले किसको निपटाओ, सूरजमल को है ना, इस बंदे ने दिमाग खराब करके रखा हमारा और ये सबसे ज्यादा पंगा तो उसने पा के रखा है। तो अभी जहांगीर का जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, सूरजमल है। ठीक है जी, टारगेट आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, सूरजमल। तो सूरजमल को जो है डिफीट करने के लिए, सूरजमल को डिफीट करने के लिए जो है ये बुलाते हैं, ये कांगड़ा किला है ना, ये नूरपुर आपका। तो सूरजमल को हराने के लिए ये बुलाएंगे जगत सिंह को। ठीक है जी, जगत सिंह, और बोला जाता है कि जो ये जगत सिंह है ये सूरजमल के छोटे भाई हैं। ठीक है जी, यंगर ब्रदर हैं इनके, ये के जो छोटे भाई हैं इनका नाम है जगत सिंह, और इनको बंगाल से बुलाया गया था, ये साथ में नहीं रहते थे। तो बंगाल से स्पेशली बुलाते हैं मुगल सिंह को कि आओ भाई किसके ऊपर अटैक करना है हमको, सूरजमल के ऊपर अटैक करना है। और जगत सिंह को ये बोला गया कि अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम सूरजमल के बाद नूरपुर का जो अगला राजा है वो किसको बनाएंगे, आपको ही बनाएंगे। तो जगत सिंह तो खुश हो गए, इसने बोला कि हाँ हाँ मैं ही राजा बनूंगा है ना। तो जो जगत सिंह है वो इनकी हेल्प करते हैं, समझ पाए आप स्टोरी है ना। सूरजमल को हराने के लिए किसको बुलाया जाता है, सूरजमल के छोटे भाई को जिनका नाम है जगत सिंह, और जगत सिंह को बुलाया गया। ठीक है कि आपको हम राजा बना देंगे। कहीं कहीं पे जो है इनके छोटे भाई मेंशन है, और कहीं कहीं पे ऐसा बोला है कि ये इनके अंकल थे है, इनके चाचू थे। तो एग्जैक्टली कौन थे तो हमको इस उसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने इनका रिलेशन कभी नहीं पूछा जाएगा। तो मोस्टली जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो इनके ब्रदर हम लोग मान के चलते हैं, कि जो जगत सिंह है वो भाई थे। ठीक है जी, और साथ साथ में सुंदर दास राय राइया, कि राय राइया, सुंदर दास राय राइया, ये एक पर्सन है, इनका नाम है सुंदर दास राय राइया, और इन्हीं का ही नाम है विक्रम जी। क्योंकि इन्हीं का ही नाम है विक्रम जी। तो आप देखें कि ये जो पर्सन है इन दोनों व्यक्तियों को भेजा गया कि जाओ और सूरजमल के ऊपर आप अटैक करो, समझ पाया आप। तो ये दो लोग गए थे, सूरजमल और दूसरा था सुंदर दास राय राइया जिनका नाम है विक्रम जी। तो ये दोनों नाम एक ही पर्सन के हैं। ये लोग जाते हैं और ये दोनों अटैक कहाँ करेंगे, सूरजमल के ऊपर अटैक करते हैं। तो सूरजमल बेचारा पहले नूरपुर में छिपता है, और नूरपुर में छिपने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा चंबा भागते भागते, और ये चंबा में छिप जाता है। और अब आप बताइए कि चंबा के राजा कौन थे इस टाइम पे, जब सूरजमल वहां पे राजा छिपने गया था। जनार्दन, जनार्दन बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है जी, चंबा के राजा ने अभी यहाँ पे जनार्दन जनार्दन वर्मन है ना, और यहाँ पे तो जनार्दन वर्मन तो यही इनको एडवाइस करते हैं सूरजमल को कि भाई सरेंडर कर दो है ना, वरना आपके चक्कर में मैं भी फंसूंगा साथ में। बट सूरजमल की जो है वो चंबा में 1619 में डेथ हो जाती है। ठीक है जी, ये स्टोरी हमने चंबा में पढ़ी है। तो 1619 में जो ये सूरजमल है इनकी चंबा में ही डेथ हो जाती है, चंबा के राजा आपको मिलेंगे जनार्दन वर्मन। क्लियर हुआ? तो बस ये सूरजमल मारे और सॉरी सूरजमल तो खुद ही मर गए थे। तो इन्होंने क्या किया, सूरजमल को भगाने के बाद ये दोनों लोग जाते हैं कहाँ, कांगड़ा की तरफ, और ये कांगड़ा किला जो है ये कैप्चर कर लेंगे। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांगड़ा किला को 1 साल 2 महीने तक इन्होंने घेर के रखा, और उसके बाद फाइनली इन्होंने कांगड़ा किला कैप्चर किया था। तो कांगड़ा किला ये कब सरेंडर करता है, जो यहाँ का राजा है, 16 नवंबर को, ये डेट आप याद रखना, 16 नवंबर 1620, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, कि कांगड़ा किला जो है वो मुगलों ने कब जीता था, 16 नवंबर 1620 को जो है वो कांगड़ा किला जीत लिया था। आप ये बताएंगे कि जब मुगल्स ने कांगड़ा किला जीता है तो उस टाइम पे कांगड़ा के जो राजा हैं वो कौन है। हाँ जी, अकबर
हरिचंद सेकंड, ठीक है, वही आपने लिखे हैं अभी तक। तो कांगड़ा के जो ये राजा हैं ये आपको हरिचंद सेकंड ही मिलेंगे। तो हरिचंद सेकंड के टाइम पे ही जो है कांगड़ा किला किसके पास आया है, मुगल्स के पास आया है। और सरेंडर कब किया गया, 16 तारीख को। और ये जो न्यूज है, ये न्यूज जहांगीर को कब मिलती है, तो 20 नवंबर को, 20 नवंबर 1620, ठीक है। अभी सरेंडर करेंगे और उसके बाद दिल्ली तक पहुंचने में टाइम भी तो लगेगा। आज के टाइम में तो फोन है, फोन किया बात हो गई है ना, बट उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था। तो सरेंडर करते हैं 16 तारीख को, और जहांगीर को फाइनली ये न्यूज कब मिलती है, 20 नवंबर 1620 को, कि हम जो है वो कांगड़ा किला जीत चुके हैं, ठीक है जी। तो कांगड़ा किला जो है वो किस मुगल के टाइम पे मुगलों के पास आ गया था, किस राजा के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, ठीक है जी, जहांगीर के टाइम पे हम यही पढ़ रहे थे जैसे। तो इस तरह से जहांगीर के टाइम पीरियड पे जो है हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। और अब क्या होता है, आप देखें, इन्होंने कांगड़ा किला तो जीत लिया, कांगड़ा किला में कौन आ गए, मुगल आ गए, लेकिन जो ये हरिचंद सेकंड था, मतलब जो कांगड़ा की रॉयल फैमिली थी, वो भी तो कहीं ना कहीं रहेगी। तो मुगल्स ने क्या किया था, जो कांगड़ा में राजगीर वाला एरिया है, ये आप ध्यान रखिएगा, कांगड़ा में राजगीर वाला जो एरिया है, राजगीर वाला एरिया वो यहाँ की फैमिली को दे दिया था, है ना, जो रॉयल फैमिली है, इनको बोला कि आप इस जगह में रहो। तो अब देखें हमारे पास कांगड़ा में ना मुगल्स स्टार्ट हो जाएंगे, 1620 के बाद ही मुगल्स शुरू यहाँ पे हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो कांगड़ा की जो फैमिली थी वो खत्म हो गई, वो जो रॉयल फैमिली है वो तो रहेगी रहेगी, और बाद में वो वापस भी लेगी अपना कांगड़ा किला। तो अभी वो उतने रॉयल हो नहीं रहे क्योंकि कांगड़ा किला से उनको निकाल दिया है, बट वो कहाँ रह रहे हैं अभी, राजगीर वाले एरिया में, ये आपने ध्यान रखना है, कांगड़ा में ये एरिया पड़ता है, तो राजगीर वाली जागीर उनको दे दी गई थी, ठीक है जी। तो ये चला गया उनके पास। अब देखें 1620, 1620 में कांगड़ा किला किसके पास चला गया, मुगल्स के पास, और 1783 तक ये मुगल्स के पास ही रहेगा। ये टाइम फिर आप ध्यान रखिए, इसके बीच में मुगल्स से आपको कांगड़ा फोर्ट मिलेंगे। और अब जो कांगड़ा किला है वहां पे मुगल किलेदार अपॉइंट होंगे, तो फर्स्ट मुगल किलेदार, फर्स्ट मुगल किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट, ऑफ कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था, वो आपको मिलेंगे नवाब अली खान, ठीक है जी। पहला किलेदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवाब अली खान। आप ऐसे बहुत सारे किलेदार रहे हैं, आपने पहला याद रखना है, और फिर आप याद रखिए कोच कुली खान, कोच कुली खान, कोच कुली खान जो है वो भी कांगड़ा किले, कोच कुली खान भी आपको कांगड़ा किले के किलेदार मिलेंगे। तो 17 सालों तक, 17 ईयर्स तक जो है कोच कुली खान कांगड़ा किला के किलेदार थे। और इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो कोच कुली खान है इनकी डेथ कांगड़ा में हो जाती है, और कांगड़ा में बाण गंगा रेवती किनारे, ठीक है जी, बाण गंगा रेवती किनारे इनको दफनाया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बाण गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है मुन्नी खड़, तो एग्जैक्टली तो मुन्नी खड़ आंसर है कि मुन्नी खड़ के पास इनको दफनाया गया है ना, बट बाण गंगा आप याद रख सकते हैं। तो कोच कुली खान 17 ईयर्स तक कि कांगड़ा किले में किलेदार रहते हैं, और इनको जो है वो मुन्नी खड़ के पास जो कि बाण गंगा की ट्रिब्यूटरी है वहां पे इनको दफना दिया जाता है, ठीक है जी। फिर आपको ध्यान रखना है लास्ट किलेदार, लास्ट मुगल किलेदार, तो जो लास्ट मुगल किलेदार हैं उनका नाम है सैफ अली खान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, सैफ अली खान आप ध्यान रखना। नवाब अली खान और सैफ अली खान में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये नवाब अली खान है ये पहले किलेदार हैं, और लास्ट मुगल किलेदार आपको मिलेंगे सैफ अली खान, ठीक है जी, सैफ अली खान ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1620 से 1783 तक का इनके पास टाइम पीरियड है। तो चलिए, कांगड़ा जो है वो जहांगीर के कंट्रोल में अभी आ चुका है, तो जहांगीर तो अभी तक दिल्ली में ही थे। जहांगीर ने सोचा कि जिस कांगड़ा किला को जीतने के लिए इतने पापड़ बेले, एटलीस्ट एक बार देख के तो आऊं उसको, है ना, कि कैसा था वो कांगड़ा किला है। तो जो जहांगीर है ये कब विजिट करते हैं कांगड़ा के लिए, 1622 में, ये आपने ध्यान रखना है, 1622 जहांगीर जो है ये 1622 में आएंगे कांगड़ा किला। और इस तरह से हम, मान लीजिए हमारा हिमाचल है, ठीक है जी, तो
जहांगीर आते हैं, जहांगीर आए तो जहांगीर जो है वो किस रूट से आते हैं, सिब्बा, फिर सिब्बा गुलेर, सिब्बा गुलेर होते हुए आएंगे कांगड़ा फोर्ट, और कांगड़ा फोर्ट में ही पहुंच गए, तो सिब्बा गुलेर वाले रास्ते से क्रॉस करेंगे और कांगड़ा किला पहुंच गए। कांगड़ा किला ने देखा बहुत इनको पसंद आया जो कांगड़ा फोर्ट है, तो कांगड़ा किले में एक मस्जिद बनाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है ठीक है। तो कांगड़ा किले के अंदर ये जो है एक मस्जिद का निर्माण करते हैं, और साथ साथ में वहां पे एक बहुत बड़ा दरवाजा बनाएंगे जिसका नाम है जहांगीरी दरवाजा ठीक है जी। जहांगीरी दरवाजा ये आप ध्यान रखिएगा, जहांगीरी दरवाजा जो है या तो कांगड़ा फोर्ट में मिलेगा। तो कांगड़ा फोर्ट में उन्होंने जहांगीर दरवाजा बनाया, ये मस्जिद बनाई, उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो वापस चलते हैं। तो जब ये वापस जा रहे हैं तो वापसी का जो इनका रूट है वो है नूरपुर से होते हुए, तो पहले इनको नूरपुर जाना है, नूरपुर के बाद पठानकोट, और पठानकोट से फिर आ जाएंगे वापस इस तरह से। तो ये इनका रूट आपने याद रखना है ठीक है जी। आप ये बता दीजिए कि नूरपुर के राजा कौन है, अभी नूरपुर के राजा कौन आपको जगत मिलेंगे। हाँ जी है सिंह, ना, जगत सिंह, जगत सिंह, बिल्कुल है ना, जगत सिंह जो है वो यहाँ के राजा हैं। तो जगत सिंह आपने नहीं भूलना है, जहांगीर के टाइम पे फुल अथॉरिटी किसको मिलेगी, जगत सिंह को मिलेगी। तो जगत सिंह जो है वो डॉन बन जाएगा पहाड़ी एरिया का अभी। तो ये नूरपुर के राजा हैं, तो अब ये जा रहे हैं कहाँ से, कांगड़ा किला के बाद ये निकले और ये पहुंचे नूरपुर। नूरपुर में कौन मिल गया, जगत सिंह इनको मिल गया। तो नूरपुर वाला एरिया जो इनको बहुत पसंद आता है, जहांगीर को और इनकी वाइफ नूरजहां को ठीक है जी, वाइफ भी साथ में थी। तो जो नूरजहां है इनको भी ये जगह पसंद आती है। जो जहांगीर है वो 1 लाख रुपए देंगे है ना, इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे किसको, जगत सिंह को। और जगत सिंह को 1 लाख रुपए देके बोला कि हमारे लिए यहाँ पे महल बना दो, ये जगह तो हमें बहुत अच्छी लग रही है। तो जगत सिंह ने बोला कि ठीक है महल बना देता हूँ। तो फिर जगत सिंह ने जो है यहाँ पे महल बना दिया था ठीक है जी। नूरपुर में इन्होंने जो है एक बहुत सुंदर सा महल बनाया था। बट ऐसी स्टोरी है कि फिर जब ये नूरजहां और जगत सिंह आते हैं उस महल को देखने के लिए, तो उस महल में जगत सिंह क्या करता है, बहुत सारे जो बीमार लोग हैं जिनको अलग अलग तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को लाता है कांगड़ा किला में, सॉरी जो नया इन्होंने पैलेस बनाया था उस पैलेस के पास, वहां आसपास रख देते हैं। वहां पे कुछ सफाई कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कुछ इस तरह से। तो फिर जब जहांगीर और नूरजहां यहाँ आएंगे इस पैलेस के पास, ये क्या देखते हैं कि सारे लोग बीमार है यहाँ पे तो है ना। तो फिर ये पूछेंगे कि भाई ये क्या बात है, क्यों ये बीमार है। तो जगत सिंह क्या बोलता है कि यहाँ का जो वेदर है ना वो ऐसा ही है, कभी भी जो है कोई भी बीमार हो जाता है और अलग अलग सबको बीमारियां लगती रहती हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि हमको तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हम जो है वो यहाँ पे कभी कभी आया करेंगे। तो इस तरह से जो जगत सिंह है इन्होंने अपनी टेरिटरी को बचा लिया था है ना। जगत सिंह बहुत क्लेवर था, उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं यहाँ महल बना दूंगा इन लोगों के लिए तो ये लोग तो यहीं बस जाएंगे फिर, और जब जहांगीर यहीं पे ही है तो फिर मेरी कौन सुनेगा है ना, जहांगीर दूर ही रहे और ये वाला एरिया मैं खुद मैनेज करूं। इसलिए इन्होंने बड़ा दिमाग लगा के जहांगीर और इनकी वाइफ को बोला कि भाई निकलो टाइम से, ये लोग तो वापस आ गए। बट थोड़ी बहुत जो है बटरिंग भी करनी है, थोड़ा बहुत मक्खन भी लगाना है इन लोगों को। तो फिर क्या करते हैं, जो जगत सिंह है ये अपने रियासत का नाम नूरपुर रखेंगे। तो जो नूरपुर नाम पड़ा है ये नूर जहां के नाम पे ही पड़ा है। हाँ जी, नूरपुर का पुराना नाम क्या है, धमेरी, धमेड़ी ठीक है जी, धमेड़ी। एक्चुअल नेम क्या था इस रियासत का, धमेड़ी था। इतनी देर से जो हम नूरपुर नूरपुर बोल रहे हैं, नूरपुर का एक्चुअल नेम क्या था, धमेड़ी था ठीक है जी। ये नूरपुर नाम किसने रखा, ये जगत सिंह ने रखा अभी नाम है ना, कि चलो नूर जहां के नाम पे मैं अपने रियासत का नाम नूरपुर रखता हूँ, और पहले नाम धमेड़ी। तो धमेड़ी से नाम शिफ्ट करके नूरपुर किसने रखा है, जगत सिंह ने रखा है ठीक है जी। तो बस ये वाला काम इनके टाइम पे हो गया है ना। और इस तरह से जो कांगड़ा किला है वो मुगलों के पास है, और जो मैक्सिमम पहाड़ी रीजन है वो किसके पास आ जाएगा, जगत सिंह के पास आ जाएगा। और जगत सिंह चंबा के किस राजा पे अटैक करेंगे। हाँ मैम जनार्दन, जी, जनार्दन और जगत सिंह और जनार्दन के बीच में कौन सी लड़ाई होती है, मैम, बैटल ऑफ द लोग। बैटल ऑफ द लोग है ना, बैटल ऑफ द लोग ठीक है जी। तो इस तरह से हरिचंद की जो डेथ हो जाती है ना, आफ्टर हरिचंद अगले जो हमको राजा मिलेंगे उनका नाम है चंद्रभानचंद ठीक है जी, चंद्र
भान चंद, चंद्र भान चंद अगले राजा हैं। इन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया। ये शाहजहां के कंटेम्प्रेरी हैं, शाहजहां। ठीक है जी। अब जहांगीर की डेथ हो गई है ना, जहांगीर की डेथ हो गई तो हरिचंद सेकंड और जहांगीर वो कंटेम्प्रेरी थे। एंड फिर शाहजहां आएंगे आपके पास, जहांगीर के बाद अगले राजा उनके कंटेम्प्रेरी आ जाएंगे चंद्रभान चंद। ठीक है जी। तो चंद्रभान चंद जो है ये गुरिल्ला वॉरफेयर में ज्यादा एक्सपर्ट थे। गुरिल्ला वॉरफेयर जो ये छुप छुप के अटैक नहीं करते हैं, जैसे महाराणा प्रताप पर अटैक किया करते थे गुरिल्ला वॉर। तो आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा के कौन से राजा जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर में ज्यादा एक्सपर्ट थे, चंद्रभान चंद थे। अब जो अगले राजा यहाँ पे आएंगे वो कुछ भी काम नहीं करेंगे, छोटी छोटी वो जगह स्थापित करते रहेंगे। रियासत तो आपकी वही चल रही है, कटोच डायनेस्टी ही यहाँ पे चलती है ना, कटोच डायनेस्टी चल रही है, बट अभी बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। बट अब अभी आप क्या देखेंगे कि जो धीरे धीरे अगली अगली पीढ़ियां आ रही हैं वो छोटे छोटे एरियाज एस्टेब्लिश कर रही है, अपनी अपनी जगह है तो फैलती जा रही है उन जगहों में। कांगड़ा किला तो नहीं अभी हाथ में आएगा, बट उन्होंने फिर भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। चंद्रभान चंद के बाद है विजय रामचंद, अगले राजा। ठीक है जी। विजय रामचंद, तो विजय रामचंद जो है ये बना देंगे बीजापुर। बीजापुर ठीक है जी। तो बीजापुर की स्थापना किसने की है? विजय रामचंद ने की है। अगले राजा है आलमचंद, आलमचंद, आलमचंद बनाएंगे आलमपुर। तो आप क्या देख रहे हैं कि नई नई जगह बनती जा रही है, इनका एरिया जो है एक्सपैंड हो रहा है। आलमचंद ने बना दिया आलमपुर। फिर तो आपके पास हमीरचंद, हमीरचंद ये बनाएंगे हमीरपुर। ठीक है जी। हमीरपुर 1700 में, ये वही हमीरपुर है आज के टाइम का आपका जो हमीरपुर है। ठीक है जी। वही वाला हमीरपुर हम पढ़ेंगे, हमीरपुर फोर्ट। तो ये हमीरपुर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? हमीरचंद ने की थी। और ये जो हम कब की है? 1700 में की है हमीरचंद ने इनकी स्थापना। फिर है अभयचंद, 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 अभयचंद क्या करते हैं? बहुत बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अभयचंद ने क्या किया था? सुजानपुर वाला जो एरिया है, सुजानपुर एरिया में इन्होंने टिहरा बनाया था। टिहरा बोलते हैं इसको, और इसको टीरा भी बोलते हैं। ठीक है जी। और आप समझ लीजिए फोर्ट, टीरा या टिहरा का मतलब क्या हुआ? फोर्ट हुआ। ठीक है। जो सुजानपुर वाले ए पूरा नाम हम सुजानपुर टिहरा पढ़ते हैं, अभी वो नाम बनेगा आगे चल के, अभी नाम नहीं बना है, अभी वो सिर्फ टिहरा बना है। आपने ध्यान रखना है कि जो सुजानपुर में जो टीरा है या टीरा या जो फोर्ट्स है उन किसने बनाए थे? उन पहाड़ियों के ऊपर। सुजानपुर वाले जो जगह है वहां पे पहाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, उन पहाड़ियों के ऊपर जो है वो फोर्ट्स बनाए थे, जिनको आपने टीरा बोला है, टीरा। तो वो फोर्ट्स कौन बनाते हैं? अभयचंद बनाते हैं। ठीक है जी। फिर तो अगले राजा आएंगे आपके पास घमंडचंद, और यहाँ से जो है वो एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। यहाँ के बाद जो भी आपके पास राजा आएंगे अब वो एरिया एक्सपैंड करेंगे। तो अब आप घमंडचंद पढ़ेंगे, फिर आप संसारचंद पढ़ेंगे, और संसारचंद के टाइम पीरियड पे कांगड़ा किला को ये वापस से जीत लेते हैं। तो कांगड़ा किला कितने जीता था? संसारचंद ने। अब आपके पास मुगल्स भी आएंगे यहाँ पे, आपके पास सिख के अटैक भी आएंगे। तो अब हिमाचल प्रदेश में हम सिखों को पढ़ेंगे कि सिख जो है वो किस तरह से आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हम कल पढ़ेंगे, इतना आपको इतना ही याद रखना है इसमें से। फिलहाल समझ पाए आपके कि हमने क्या पढ़ा आज? आज आपने मुगल्स कंप्लीट किए हैं हिमाचल प्रदेश में। कंप्लीट मतलब मोटे मोटे तौर पे कंप्लीट हो गए हैं। अब बस मुगल्स जाएंगे ही हिमाचल से। घमंडचंद, कांगड़ाचंद, सॉरी कांगड़ाचंद नहीं, संसारचंद। तो घमंडचंद, संसारचंद और जो सिख हैं वो हम कल पढ़ेंगे। एंड होपफुली कल हमारा जो कांगड़ा है, कांगड़ा का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो कांगड़ा जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद कांगड़ा के जो ऑफशूट्स हैं हमको वो पढ़नी है, मतलब कांगड़ा के जो ब्रांचेस निकले हैं आपकी, गुलेर है, जसवां, सिब्बा, दत्तारपुर, ये रियासतें हम पढ़ेंगे। तो एक दो लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कांगड़ा मिसलेनियस और ऊना और हमीरपुर भी साथ में चलेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम कांगड़ा कंप्लीट करेंगे, और आप साथ साथ में याद करते रहना। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछिए, कोई अगर डाउट हो आपको। मैम, कांगड़ा ये मेन सिलेबस में भी है ना, तो किस टाइप के क्वेश्चन नहीं, होते हैं? हाँ नहीं, हाँ हाँ मेंस में सब कुछ है आपके पास, ये हर एक चीज है। ठीक है जी। कांगड़ा तो आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, और आपकी हिस्ट्री यहाँ से बहुत कवर हो जाएगी।
तब से तो कंफ्यूजन जो है वो हिस्ट्री में ही होती है, हमको हिस्ट्री समझ ही नहीं आती है, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न वाला कि कब कौन कहाँ क्या कैसे आ रहा है। थोड़ा सा आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको अपने आप वो चीजें आती जाएंगी कि मुगल्स क्यों आए, फिर सिख क्यों आए, है ना। आपको सीक्वेंस समझ आना चाहिए। अगर आप चीजों को बीच से पकड़ के पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो कभी भी क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको बहुत आराम आराम से चलना होता है हिस्ट्री में। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको। हम जो है कल मिलते हैं, इतना अपना आप लोगों ने पढ़ लेना है ना। चलिए कल आप पढ़ के आना। ठीक है जी, ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके जी।